हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फोकस में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करें साइकोलॉजी यानी सीडीपी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेशन नंबर 26। तो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी एचपी नॉन मेडिकल टेट, एचपी आर्ट्स टेट, एचपी जेबीटी टेट और एचपी मेडिकल टेट। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ ऐड कर रखे, तो एक बार देख लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी एनर्जी बरकरार रहे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर हु सेड, यानी किसने कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। ऑप्शन दे रखे हैं कोलेसनिक, मुर्फी, वुडवर्थ या फिर ईजी बोरिंग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए। साइकोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी हु सेड साइकोलॉजी द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आप सभी ने चूज करें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कोलेसनिक। तो अगला क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज यूजफुल इन, यानी शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक होता है। ऑप्शन दे रखे हैं टू अंडरस्टैंड ओन सेल्फ, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, टू चूज द टीचिंग मेथड, होल टीचिंग प्रोसेस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज यूजफुल इन। आप सभी ने चूज कर लिया तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज यूजफुल इन होल टीचिंग प्रोसेस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, हु कॉइन द टर्म मेंटल हेल्थ, यानी मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया। ऑप्शन दे रखे हैं सी एल पियर्स, सी डब्ल्यू बियर्स, विलियम स्वीटर्स, जेम्स डी यंग। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हु कॉइन द टर्म मेंटल हेल्थ। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विलियम स्वीटर्स। तो अगला क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान की सबसे पुरानी पद्धति कौन सी है। ऑप्शन दे रखे हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, विच इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। आप सभी ने चूज कर लिया तो ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी इज इंट्रोस्पेक्शन मेथड, यानी आत्मनिरीक्षण। तो अगला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस, यानी विकास एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है। ऑप्शन दे रखे हैं ब्रोकन, कंटिन्यूस, कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस। आप सभी ने चूज कर लिया तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कंटिन्यूस यानी निरंतर। तो अगला क्वेश्चन है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज, यानी मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन दे रखे विनेट, स्टॉन, टर्मन या फिर सिरिल बर्ट। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अल्फ्रेड बिनेट। तो अगला क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं पर्यावरण परिणाम स्वरूप होती है, किसके परिणाम स्वरूप होती है। ऑप्शन दे रखे नेचर, सोशलाइजेशन, हेरिडिटी या फिर कल्चर। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरनमेंट। आप सभी ने चूज करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हेरिडिटी। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन, यानी इनमें से कौन सा संवेगी अंग नहीं है। ऑप्शन दे रखें आई, हियरिंग, टच या फिर मेमोरी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन। आप सभी ने चूज करें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेमोरी इज नॉट अ सेंसरी ऑर्गन। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक है। ऑप्शन दे रखे हैं जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नेसेसरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप सभी ने चूज कर लिया तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, ये सभी फैक्टर जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन है, मेंटली हेल्दी पर्सन लिव इन, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति कहाँ पर रहता है। ऑप्शन दे रखे हैं ड्रीम लैंड, हाइपर सेंसिटिविटी, रियलिटी या फिर आउट ऑफ सोसाइटी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, मेंटली हेल्थी पर्सन लिव इन। आप सभी ने चूज कर लिया तो मेंटली हेल्थी पर्सन लिव्स इन रियलिटी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है वास्तविकता में। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं, उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।